Welcome to Best Price Realty, where we bring happiness and bliss together. So this is Sonia Sohal, your today's host. और आज मैं आपको लेके आई हूँ सेक्टर 99 मोहाली में, which is the most promising sector of whole Tri-City, and this is the only gated sector of whole Punjab. सेक्टर 99 में Noble Venture लेके आ रहा है एक नया प्रोजेक्ट, एक नया रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट which is based on Myvan Construction, low rise, पहली बार लेके आ रहा है Myvan Construction के साथ S+4 अपार्टमेंट्स जो कि फुली लोडेड रहेंगे और ये प्री लॉन्च की ऑलमोस्ट सेकंड स्टेज पे है, यानी कि रेजिडेंस के साथ साथ इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बढ़िया मौका होने वाला है ये। इसे अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने ना दें, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है ये, इसे एंड तक जरूर देखिएगा अगर आपको मोहाली में चंडीगढ़ में एक बेस्ट प्रॉपर्टी चाहिए तो। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ जाती है हमारे प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस, जहाँ पे मेन एंट्री गेट रहेगा 3-tier सिक्योरिटी के साथ एंड ये बिल्कुल रहेगा 200 फीट वाइड रोड के साथ। एंड एंट्री करते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले इसकी टाउनशिप डिस्क्राइब कर देती हूँ। 6.5 acre की टोटल टाउनशिप रहेगी जो कि गेटेड सोसाइटी रहेगी। पूरा का पूरा सेक्टर तो गेटेड है ही, लेकिन आपकी जो नोवल वेंचर की ये सोसाइटी होगी ये भी कि पूरी पूरी गेटेड रहने वाली है 3-tier सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के साथ। 6.5 acre में से आपका सबसे पहले ये 2 acre का ह्यूज ओपन लश ग्रीन एरिया आ जाता है जो कि आगे एक्सटेंड होने वाला है। और इसी के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ट्राई सिटी आपको लो राइज अपार्टमेंट Myvan Construction के साथ S+4 एलिवेशन के साथ रहेंगे, स्टिल्ट में पार्किंग आ जाएगी। सो 6.5 acre में टोटल 64 प्लॉट्स रहेंगे जिसमें आपके 256 टोटल फ्लोर यूनिट्स रहेंगी। सो इस वक्त हम आ चुके हैं, हमारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी साइट रहेगी, आज की फ्रंट में मैंने आपको बताया था पार्क है, तो ये वाली जो लेन है, ये जो फ्लैट्स बनेंगे ये सारे के सारे पार्क फेसिंग रहेंगे। और अगर मैं इंटरनल रोड्स की बात करूँ तो आपके 40 फीट वाइड इंटरनल रोड रहेंगे। एंड अगर हम बात करें जैसे कि ये वाली रोड है और ये वाली रोड है, जो इंटरनल रोड्स है फ्लैट टू फ्लैट जो रहेगा, टावर टू टावर का गैप, वो आपको फ्रंट और बैक साइड दोनों साइड से 20-20 फीट वाइड दिया जा रहा है, ताकि जो फ्रंट वाले जितने भी फ्लैट्स हैं उनकी पार्किंग आप इजीली फ्रंट से कर सके और जो बैक वाले फ्लैट्स आ रहे हैं उनकी पार्किंग भी आप इजीली इस साइड से बैक साइड से कर सके, क्योंकि स्टिल्ट में पार्किंग रहेगी तो आपको पार्किंग के लिए भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो अगर अब मैं थोड़े से लोकेशन के एडवांटेज की बात करूँ तो मैं थोड़े से ब्रीफ कर देती हूँ कि यहाँ से आपका 2-3 kilometers के रेडियस में आपका MIT यूनिवर्सिटी, ITC, इन्फोसिस एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके 2-3 kilometers के रेडियस में आ जाएंगी। एंड इसी के साथ अगर हम सेक्टर के आसपास की बात करें तो बिल्कुल इसके सामने 85 सेक्टर है, जहाँ पर ऑलरेडी जो है वो जेनेसिस इंटरनेशनल 4 acre का लैंड पैच ले चुका है, और 84 उसके बिल्कुल साथ में है जहाँ पर दून लॉ का कॉलेज आने वाला है। और 81 की बात करें तो 81 में जो मेडिकल कॉलेज है फेज 6 का, वो रिलोकेट होने वाला है, गमाडा ने उसके लिए लैंड पैच अप्रूव कर दिया है। ये सब चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 kilometers के रेडियस में यहाँ से मिलेगी, और ये तो सेक्टर के आसपास की बातें हैं। और अगर इसी के साथ हम बात करें 99 सेक्टर, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एयरपोर्ट रोड से एंड एयरपोर्ट से MIT यूनिवर्सिटी, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, एंड दिस इज़ टोटली पैरेलल टू एयरपोर्ट एंड इंटरसिटी रोड्स एंड चंडीगढ़। एंड इसी के साथ अगर मैं बात करूँ आपके इस साइड के सेक्टर्स की, जो कि सेक्टर 97 है, तो वहाँ पे ऑलरेडी लीजर वैली जिसमें 150 acres का ऑलरेडी वहाँ पे मोहाली फॉरेस्ट है, जिसे हम मोहाली फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं और लेजर वैली के नाम से भी जानते हैं, तो वो बिल्कुल 97 में है। और इसी के साथ 87 जो कि इसके आगे है, तो 87 की बात करें चंडीगढ़ सेक्टर 17 का, जैसे कमर्शियल हब है वैसा ही कमर्शियल हब जो है वो सेक्टर यहाँ पे 87 मोहाली में भी आने वाला है। तो एक ऐसी लोकेशन जिसके आसपास के जितने भी मेजर हब है वो बिल्कुल पास पास में लोकेटेड है, और जो आने वाले टाइम पे जो इसकी जो डेवलपमेंट है, इसके आसपास के एरिया की जो डेवलपमेंट है, उसका इस एरिया को कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, इसका आइडिया आप यहाँ से लगा ही सकते हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे कितनी ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। तो ये हमारी लोकेशन का, हमारी साइट का ओवरव्यू है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो रोड है ये स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके ये चारों तरफ से कवर्ड है, एंड इसी के साथ इंटरनल रोड्स भी आपकी जो है इसके साथ कनेक्टेड रहेंगी। तो लोकेशन की एडवांटेज के साथ साथ, कनेक्टिविटी के एडवांटेज के साथ साथ, एक और मेन USP ये है कि आपको इसमें मिल रहे हैं फुली लोडेड 3 BHK अपार्टमेंट्स S+4 के साथ। लो राइज Myvan Construction तो है ही, लेकिन फुली लोडेड भी है। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।
थ्री बेडरूम थ्री वॉशरूम कॉन्सेप्ट रहेगा। बेसिकली तीनों रूम्स में आपकी वुडन फ्लोरिंग रहेगी और बाकी के फ्लोर में जो है वो इटालियन मार्बल्स रहेंगी। एंड इसके साथ ही किचन आपकी फुली लोडेड रहेगी, उसमें सारे के सारे इक्विपमेंट्स, आपके रेफ्रिजरेटर एंड होब चिमनी आरओ एवरीथिंग एंड ओवन वगैरह एवरीथिंग आपका उसमें रहने वाला है। एंड इसके बाद वॉशरूम की बात करूँ तो वॉशरूम्स भी आपको फुली लोडेड मिल रहे हैं, जिसमें आपकी वैनिटी, लुकिंग मिरर, ऑल ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स एज पर डिस्क्राइब्ड इन दिस वीडियो सेम आपको जो है वो फ्लैट में मिलने वाले हैं। सो एज पर जैसा कि ये नोबल का प्रोजेक्ट है, नोबल के प्रोजेक्ट की बात करें तो नोबल कैलिस्टा जो कि सेक्टर 66B में लोकेटेड है, जिसकी पोजेशन की बात करें तो वो 2025 में थी, बट रिसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंग 2024 में ही वो अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन पेस है वो कितनी हाई है। सो ये भी नोबल का प्रोजेक्ट है। ये बताने का यहाँ से ये मतलब था कि मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझा सकूँ कि यहाँ पर भी आपकी जो कंस्ट्रक्शन पेस है वो कितनी हाई होने वाली है। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन की स्पीड भी बहुत हाई है। इसी के साथ इन्वेस्टर्स के लिए खुशी की बात ये है कि इसका एक पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें, बहुत ही एग्रेसिव पेमेंट प्लान लेके आ रहा है नोबल आपके लिए, दैट इज 30, 30, 30 and 10%। सो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा और बेस्ट ऑफर रहेगा। और इसी के साथ अगर आपको रेजिडेंस भी लेना है एक बढ़िया सी अच्छी सी लोकेशन पे बेस्ट बेस्ट फैसिलिटीज़ के साथ, तो नोबल एक नया और शानदार प्रोजेक्ट लेके आ रहा है सेक्टर 99 में, जो कि मैं आपको आज दिखाने लाई हूँ। सो आई होप ये वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए एज अ रेजिडेंस के तौर पर भी और एज अ इन्वेस्टर के तौर पर भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे होंगे, उन पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपकी जितने भी क्वेरीज है उसके डिटेल्स ले सकते हैं। कैसे अर्न करना है और कहां पे कैसे इन्वेस्ट करना है इसकी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए बेस्ट प्राइस रियल्टी, मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।